रंगा जाएगा और उसके सुन्दरीकरण को लेकर बुधवार को जीडीए सभागार में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के वीसी अनुज सिंह की अध्यक्षता में गोलघर के व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में लखनऊ के हजरतगंज और राजस्थान के जयपुर की तरह गोलघर की भी सभी दुकानों को एक रंग में रंगा जाए, साथ ही दुकानों के ग्लो साइन बोर्ड का भी रंग और साइज तय किया जाए। इस दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित व्यापार मंडल व गोलघर के व्यापारी मौजूद रहे। करके ये कहा गया था, ये तय हुआ था कि जितने भी ये चाट पकौड़े ये दुकानें सजाए वहाँ खाए पे एंजॉय करें, पार्क भी बगल में है, तो सर इसको लागू कर दीजिएगा तो वो ठेले वाले भी वहाँ जाए। नहीं हुआ, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो भी जाता है सर, तो चार दिन पांच दिन होता है, छठे दिन से पुलिसिंग जो होती है वो फिर उसको अपने हिसाब से करवाना शुरू कर लेती है, और जब पुलिसिंग खुद ही इन्वॉल्व हो जाती है तो हम लोग जब शिफ्ट करते हैं करने वजह जब उनको वहाँ पर लगातार उनको देना पड़ा पुलिस को। रामप्रसाद आप किशन वाले जो दुकान लिए हैं इसमें डोसा लगाता है ठेला, उसको हटा नहीं हो सकता। नहीं, एक बार तो हम और नगर निगम मिलकर उसको हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कि वो दोबारा आपके दुकान के आगे खड़े ना हो ये तो आप लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा। सर वो संभव ही नहीं है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए जीडीए वीसी अनुज सिंह ने बताया, गोलघर के सौंदर्यीकरण की योजना है तो उस पे कुछ कतिपय निर्णय लिए जाने थे, तो उसी के संबंध में बैठक थी। एक कलर स्कीम फिक्स करने की बात है, जिस तरीके से हजरतगंज और जयपुर के जो मेन मार्केट्स हैं उसी प्रकार गोलघर का भी जो मेन मार्केट है कलर स्कीम में आ जाए, सुंदर दिखे, इसके लिए इस पर चर्चा थी। सर व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी सर उसके बारे में? व्यापारियों की कुछ समस्याएं हैं, जैसे उनकी स्ट्रीट वेंडिंग को लेकर कुछ समस्याएं हैं, तो उन सब का समाधान किया जा रहा है। धीरे धीरे इस पूरी स्ट्रीट को स्मार्ट स्ट्रीट में भी लिया जा रहा है, जिसमें स्ट्रीट वेंडिंग को भी लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पार्किंग की समस्याएं हैं, उसके लिए वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है, एक बार वो बन के लगभग अपनी तैयारी पर है, जब वो पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे पार्किंग की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। सर किस कलर का होगा सर, कुछ डिसाइड हो पाएगा? अभी तीन चार स्कीम बताए गए हैं, तो उसको एक साथ तैयार किया जाएगा, उस पर एक प्रेजेंटेशन किया जाएगा कि आखिर बाजार कैसा दिखेगा, तो फिर उसके बाद व्यापारियों को दिखाएंगे हम उसको फाइनल।